हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लीजिए। राजस्थान में बीएससी नर्सिंग या जीएनएम से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है या ऑल इंडिया में कोई भी बीएससी नर्सिंग से जुड़ी हुई अपडेट आती है, सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएनएम कोर्सेज के लिए जो आपका अपवर्ड मूवमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं आया है। केवल और केवल अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही। जो पहले शेड्यूल आया है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपवर्ड मूवमेंट की जो लास्ट डेट है वो तीन अप्रैल आपकी रहने वाली। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको भरोसा हो जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट की लास्ट डेट जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रहने वाली है वो कितनी है, आप देख सकते हो कि फर्स्ट राउंड जो अपवर्ड मूवमेंट है उसकी लास्ट डेट 3 अप्रैल, यानी कि कल ही का दिन आपके पास है, तो आपको अपवर्ड मूवमेंट आज या कल के दिन में करवाना होगा। ये आज ही फॉर्म स्टार्ट हुए तो मैं आज ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे कि आप जैसे राज जीएनएम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, यहाँ आने के बाद आपको ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है क्लिक हेयर फॉर अपवर्ड फॉर्म। इस पर जैसे आप क्लिक करते हो आपको सीधा SSOID पर ले जाया जाएगा और SSOID पर जाने के बाद आप अपना अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हो। SSO की वेबसाइट पर जाने के बाद मैं सुबह आपको प्रॉपर वीडियो के साथ बताऊंगा किस प्रकार आपको कॉलेज एक्सचेंज करने हैं। बस इस वीडियो में केवल मैं इतना बता रहा हूँ कि अपवर्ड फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। ध्यान देना, अपवर्ड फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप खुद देख सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।